ये संतश्री आश्रम जी बापू आश्रम से प्रकाशित होती है, मंथली मैगजीन है। बापू जी को निर्दोष फंसाया गया है, बस हमको उनका क्या मंथली मैगजीन है, ये हम हमारी सेवा कर रहे हैं और हम हमको गर्व है कि हम हमारे बापू जी के शिष्य है। हमको कोई लाज शर्म नहीं है कि कोई हमारे लिए क्या बोलेगा क्या नहीं, हमें तो गर्व है कि हम ऐसे महान संत के शिष्य है जिनकी संस्कृति अभी जीते जी कदर नहीं कर रही है। जब वो संसार से जाएंगे ना, तो जैसे साईं बाबा को पूजा जाता है ना, उससे भी लाख गुना हमारे बापू जी को पूजा जाएगा। और इसमें जो अपन सभी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, महाभारत रामायण जो भी अपने ग्रंथ हो चुके हैं, वो अपन इकट्ठा घर में पढ़ नहीं सकते। आज के आधुनिक समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो हमारे आश्रम से इसमें जो भी तिथि त्योहार या जो भी कथाएं होती है बच्चों के लिए, संस्कार सिंचन, वो सभी मतलब चुन चुन के मोती एक छोटी सी मैगजीन में हर महीने डाला जाता है, ताकि लोगों को घर बैठे इनका ज्ञान चले। जो अपनी सनातन संस्कृति से अभी पिछड़ते जा रहे हैं, जो युवा वर्ग है वो आजकल मोबाइल में स्क्रॉल करता है, उसको अदर चीज में कोई टाइम नहीं है, तो ये पुस्तक पढ़ के पेरेंट्स पढ़े या बच्चे पढ़े, तो उसमें से कोई अगर एक बात भी बच्चों को लग जाती तो उनका जीवन सुधर जाता है। ये एक इसमें लिखा है, एक मांग हो रही है इसमें, 80 साल के संत का बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं जी। ये इस तरह की घटना हो गई थी, वो जेल में है। देखिए भैया, जो जिन जिन्होंने सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का काम करा है, तो उनको वो संत को कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके जेल में डाला ही गया। चाहे आप पुराना हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे उनको भी प्रताड़ित किया गया था, या अपना गुरु नानक देव थे वो भी 3 बार जेल में जा चुके थे। जो भी मतलब अपनी सनातन संस्कृति, चार संस्कृतियां थी, एक तो रोम थी, मिश्र थी और ये थी मोहनजोदड़ो, और अपनी सनातन संस्कृति, 3 संस्कृति तो कैसे विलुप्त करा, बस अपने ले दे के हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति बची है। जो ईसाई लोग है वो धर्मांतरण वगैरह करा के अपने संस्कृति को भी नष्ट करना चाहते हैं, तो बापू जी ने ये संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करे हैं। भाई धर्मांतरण रोका है, आज भी बहुत सी जगह पे मतलब हमारे 365 हमारे आश्रम से कुछ ना कुछ सेवा कार्य चलते ही रहते हैं, और बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खुलवाए हैं, वैलेंटाइन डे है, वो सब था मतलब बापू जी ने सनातन संस्कृति जो लोग भूलते जा रहे थे उसका बीज बोया है। जगह जगह सत्संग वगैरह करा के तो वो सब संस्कृति अपने आगे नहीं बढ़े। अपना युवा वर्ग जो आजकल राम राम बोलने से भी कतराता है, तो वो सब बापू जी ने हरिओम का कीर्तन कराया, राम राम लोगों को बोलना सिखाया है। तो क्रिश्चियनिटी ये नहीं चाहती है कि हिंदू, तो ये मानते हैं कि आसाराम जी निर्दोष हैं। बिल्कुल निर्दोष है। आप एक बार हमारा आश्रम आइए, बापू जी का प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, आपको लगेगा हम तो सालों से, हम तो मतलब 25 साल हो गए आज मुझे आश्रम से जुड़े हुए। मैं तो आश्रम आती जाती हूँ, अभी मई का महीना चल रहा है, मैं अभी भी मेरी टिकट की बुकिंग है, मैं 10-11 दिन के लिए आश्रम जाऊंगी रहने के लिए। आज मैं भी घर परिवार से, मेरे बच्चे हैं, तो रहने वाली हूं? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि इसरानी है। ये जो थी बापू जी को निर्दोष फंसाया गया है, बस हमको उनका क्या मैथिली मैगजीन है, ये हम हमारी सेवा कर रहे हैं और हमको गर्व है कि हम हमारे बापू जी के शिष्य है। हमको कोई लाज शर्म नहीं है कि कोई हमारे लिए क्या बोलेगा क्या नहीं, हमें तो गर्व है कि हम ऐसे महान संत के शिष्य है जिनकी संस्कृति अभी जीते जी कदर नहीं कर रही है। जब वो संसार से जाएंगे ना, तो जैसे साईं बाबा को पूजा जाता है ना, उससे भी लाख गुना हमारे बापू जी को पूजा जाएगा।